हेलो एवरीवन, दिस इज़ रचना, असिस्टेंट प्रोफेसर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग इन मेट्रो कॉलेज ऑफ नर्सिंग। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग प्रोसेस। वी हैव ऑलरेडी डन इन आवर रिवीजन सेशन अबाउट व्हाट इज़ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग एंड ऑल अदर टॉपिक्स। So now we will discuss about community health nursing process. So what is community health nursing process? Community health nursing process is an orderly, systematic manner of identifying the community's health problems, making plan to solve them, implement it, and evaluating the extent to which the plan was effective in resolving the problems identified. कह रहे हैं कि community health nursing एक process है जो कि order में की जो follow की जाती है, एक order में, ठीक है, एक particular order है कि इस step के बाद ये step आएगा, next step ये होगा, ठीक है, third वाला step पहले नहीं आ सकता, सेकेंड वाला स्टेप बाद में नहीं जा सकता, ठीक है, एक ऑर्डरली फॉर्म में जो है ये प्रोसेस फॉलो की जाती है, एक सिस्टमेटिक मैनर में जो है प्रोसेस पूरी की जाती है, ठीक है। तो ये कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग एक प्रोसेस है जो जिसको ऑर्डरली और सिस्टमेटिक मैनर में फॉलो किया जाता है, किसके लिए, टू आइडेंटिफाई द कम्युनिटी हेल्थ प्रॉब्लम्स, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर कम्युनिटी की हेल्थ प्रॉब्लम्स का पता करने के लिए। अब एक बार कम्युनिटी की हेल्थ प्रॉब्लम्स के बारे में पता लग गया, उसके बाद उनको सॉल्व करने के लिए, वो जो प्रॉब्लम्स हमने आइडेंटिफाई किया या जो कम्युनिटी के लोग हैं उनकी जो हेल्थ नीड्स हैं वो हमने आइडेंटिफाई की हैं, उनको अब सॉल्व करने के लिए कोई प्लान बनाने के लिए, इम्प्लीमेंटेड वो उस प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए, यानी कि हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए ताकि वो हेल्थ प्रॉब्लम्स दूर की जा सकें, और इवेलुएट करने के लिए कि जो हमने प्लान जो इम्प्लीमेंट किया है वो किस हद तक, किस एक्सटेंट तक जो है इफ़ेक्टिव रहा है, कि प्रॉब्लम्स जो हमने आइडेंटिफाई की थी उससे रिजॉल्व हुई हैं या नहीं हुई है, ठीक है। तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग प्रोसेस एक ऑर्डरली और सिस्टमेटिक मैनर में फॉलो की जाने वाली वो प्रोसेस है जिससे हम कम्युनिटी की हेल्थ प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हैं, प्लान बनाते हैं कि उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके, उस प्लान को इम्प्लीमेंट करते हैं और उसको लास्ट में इवेलुएट करते हैं कि जो प्लान हमारा इम्प्लीमेंट किया गया है वो इफ़ेक्टिव है या नहीं, प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हुई या नहीं हुई, या किस हद तक प्रॉब्लम रिजॉल्व हुई, ठीक है। उसके बाद इसके 5 फेजेस होते हैं या 5 स्टेप्स होते हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग प्रोसेस के। पहला है असेसमेंट फेज, इसको हम कम्युनिटी आइडेंटिफिकेशन भी बोलते हैं। दूसरा है डायग्नोसिस फेज, इसमें डेटा कलेक्शन होती है। थर्ड है प्लानिंग फेज, इसमें कम्युनिटी प्लानिंग होती है कि हम जो हेल्थ प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई की हैं उनको एक प्रायोरिटी सेट की जाती है, गोल सेट किए जाते हैं, ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं, ठीक है। ये प्लानिंग फेज़ होती है कि हम एक प्लान, एक रूपरेखा बनाएंगे। उसके बाद एक्शन फेज या कम्युनिटी इम्प्लीमेंटेशन या इंटरवेंशन, जो हमने प्लान तैयार किया है हम उसके अकॉर्डिंग जो है अपनी जो एक्चुअल में वो एक्शन हम उस फेज़ में लेते हैं। प्लानिंग फेज़ में तो हमने एक रूपरेखा, एक प्लान तैयार किया पेपर्स में, ठीक है। उसके बाद उस प्लान को हम जब एग्जीक्यूट करेंगे, हम उस प्लान को एक्शन में लाएंगे या इम्प्लीमेंट करेंगे या हम इंटरवेंशंस देंगे लोगों को, इंटरवेंशंस का मतलब है हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, तो उसको कहेंगे हम एक्शन फेज़। उसके बाद है इवेल्युएशन फेज़, फिर हम लास्ट में जो अपने हमने सर्विसेज दी हैं, जो हमने प्लान अपना इम्प्लीमेंट किया है उसको हम इवेल्युएट करते हैं। तो ये लास्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप इज़ असेसमेंट फेज़, इसमें हम कम्युनिटी आइडेंटिफिकेशन करते हैं। कम्युनिटी आइडेंटिफिकेशन एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है, इससे हम कोई भी पर्टिकुलर डिफाइंड कम्युनिटी को
उसको एक्सप्लोर करते हैं, उसको जानते हैं। आइडेंटिफाई करना, किसी को जानना, पहचानना, आइडेंटिफिकेशन। आपकी आइडेंटिफिकेशन क्या है? आप GNM फर्स्ट, आपका नाम जो भी है, आप GNM फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, आप मेट्रो कॉलेज ऑफ नर्सिंग के स्टूडेंट हो, ठीक है, ये आपकी एक एकेडमिक यानी पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड एज वो आपकी आइडेंटिफिकेशन हुई, ठीक है। या आपकी एक पर्सनल लेवल पे आपकी आइडेंटिफिकेशन क्या है कि आपका नाम जो भी आपका नाम है, आप किसके बेटा या बेटी हो, डॉटर ऑफ या सन ऑफ, ठीक है, ये आपकी आइडेंटिफिकेशन हुई। इसी तरह हम एक कम्युनिटी को आइडेंटिफाई करते हैं। कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? पहले तो ये पढ़ेंगे कि कम्युनिटी आइडेंटिफिकेशन की डेफिनेशन क्या है। इट इज़ अ सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ नोइंग और एक्सप्लोरिंग द डिफाइंड कम्युनिटी फॉर असेसिंग इट्स हेल्थ स्टेटस, डिटरमाइनिंग द पॉसिबल फैक्टर्स अफेक्टिंग द हेल्थ ऑफ पीपल इन द कम्युनिटी। ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिससे कि हम कम्युनिटी को जानते हैं, उसको एक्सप्लोर करते हैं, उसको पहचानते हैं, ठीक है, किस चीज़ के लिए क्यों करना है हमने ऐसा, ताकि हम कम्युनिटी के हेल्थ स्टेटस का पता कर सकें। टू असेस इट्स हेल्थ स्टेटस, उसका हेल्थ स्टेटस क्या है, कम्युनिटी के लोगों का क्या हेल्थ स्टेटस है, और जो पॉसिबल फैक्टर्स हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके जिससे कि लोगों की, उस कम्युनिटी के लोगों की हेल्थ पे फ़र्क पड़ रहा है, वो फैक्टर्स जो कम्युनिटी के लोगों की हेल्थ को अफेक्ट कर रहे हैं, उनके बारे में पता लगाते हैं, ठीक है। एक तो कम्युनिटी के लोगों का हेल्थ स्टेटस जानने के लिए, और वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिनकी वजह से कम्युनिटी के लोगों की हेल्थ पे को अफेक्ट हो रही है जिससे, तो उसको कहते हैं हम कम्युनिटी, उस प्रोसेस को कम्युनिटी आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। अब ये कैसे की जाती है, इसके पर्पसेस क्या है और एडवांटेजेस क्या है, ठीक है, क्यों की जाती है, क्या पर्पस है, वही एडवांटेज होंगे कि इससे हमें ये फ़ायदा मिलता है। तो पहला पर्पस है हमारा, इट प्रोवाइड्स कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज अबाउट द प्रोफाइल ऑफ द कम्युनिटी, इट्स हेल्थ स्टेटस, हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड देयर प्रोबेबल एसोसिएटेड फैक्टर्स। इससे हमें पता लगता है, कॉम्प्रिहेंसिव मतलब कंप्लीट नॉलेज, ठीक है, इससे हमें किसी भी कम्युनिटी की प्रोफाइल की कंप्लीट नॉलेज होती है, उसके हेल्थ स्टेटस के बारे में पता चलता है, उसकी हेल्थ प्रॉब्लम्स के बारे में पता चलता है, और जो कोई भी एसोसिएटेड फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रही हैं उनका पता चलता है। इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर एस्टैब्लिशिंग वर्किंग रिलेशनशिप, गेनिंग एक्सेप्टेंस ऑफ द कम्युनिटी। इससे हमारे जो नर्स पेशेंट रिलेशनशिप या फिर एक अच्छे वर्किंग रिलेशनशिप बनाने का जो है अपॉर्चुनिटी मिलती है इससे हमें। जब हम कम्युनिटी आइडेंटिफिकेशन के लिए जाएंगे, आप कम्युनिटी में विज़िट करने जाओगे, सबसे पहले सबको अपना जो है अपनी पहचान बताओगे, आप कहाँ से आए हो, क्या पर्पज़ है आपका, क्यों आए हो, ठीक है, आप उनकी हेल्प करने आए हो, ठीक है, इससे आपको जो है रेपो मेंटेन करोगे, उनके साथ ट्रस्ट उनका गेन करोगे और एस्टैब्लिश करोगे एक अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप, ठीक है, जो कि कम्युनिटी के लोग एक्सेप्ट करेंगे। फिर थर्ड है, इट विल हेल्प इन मेकिंग कम्युनिटी डायग्नोसिस, कम्युनिटी आइडेंटिफिकेशन या कम्युनिटी असेसमेंट के द्वारा ही आप कम्युनिटी की हेल्थ प्रॉब्लम्स का डायग्नोसिस बना सकते हो, ठीक है, कि भाई क्या क्या वहाँ पे हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो कम्युनिटी डायग्नोसिस तभी बनेगा जब आप उस कम्युनिटी को अच्छे से असेस करोगे, वहाँ की हेल्थ प्रॉब्लम्स जानोगे, क्या क्या फैक्टर्स एसोसिएटेड हैं वो जानोगे। फिर है, इट इज़ इंस्ट्रूमेंटल टू कम्युनिटी हेल्थ प्लानिंग, इससे आगे आपको कम्युनिटी हेल्थ प्लानिंग प्लान करने में जो है फ़ायदा मिलेगा। तो ये हो गए पर्पसेस और एडवांटेज, और लास्ट है आपका, इट प्रमोट्स कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। जब आप जाओगे कम्युनिटी असेसमेंट या कम्युनिटी आइडेंटिफिकेशन के लिए, तो वहाँ लोगों से मिलोगे, उनको अपनी कुछ अपनी बताओगे, कुछ उनसे पूछोगे, उनकी हेल्प करोगे, ठीक है, अच्छी रैपो मेंटेन करोगे, अच्छा जो है वर्किंग रिलेशनशिप उनके साथ बनाओगे,
और साथ में लोगों को साथ लेके उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होगा, उससे कम्युनिटी के लोग खुद ही अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने में पार्टिसिपेट करेंगे, तो इससे उसको बढ़ावा मिलेगा। उसके बाद है, ये तीन डायमेंशंस होते हैं जिनके बेसिस पे आप कम्युनिटी आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो। सबसे पहले तो ज्योग्राफिकल एरिया देखना होता है वहाँ पे जाके कम्युनिटी का, कि किसी भी कम्युनिटी की एक पर्टिकुलर बाउंड्री होती है या ज्योग्राफिकल लोकेशन होती है कि ये इतने एरिया में ये पर्टिकुलर कम्युनिटी जो है फैली हुई है, ये गांव यहाँ से लेके यहाँ तक फैला हुआ है, उसकी कोई बाउंड्री होगी। ठीक है, तो एवरी कम्युनिटी हैज़ अ डिफाइंड ज्योग्राफिकल एरिया इन विच पीपल लिव एंड कैरी आउट देयर एग्जिस्टेंस। एक हर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का, कि कोई भी शहर ले लो, कोई भी कस्बा ले लो, कोई भी गांव ले लो, उसका एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया होता है। ठीक है, बाउंड्री होती है जो बटी हुई होती है, ये इस गांव की ज़मीन है, ये यहीं तक जो है लिमिटेड है, वहाँ पे जहाँ पे वो लोग रहते हैं और अपनी एग्जिस्टेंस मतलब अपनी जो डेली जो लाइफ है वो वहाँ पे जीते हैं। द लोकेशन ऑफ कम्युनिटी डिटरमाइंस इट्स क्लाइमेट रिसोर्सेज हेल्थ थ्रेट्स एंड डेंजर्स। जो लोकेशन है कम्युनिटी की, जहाँ भी वो कम्युनिटी है लोकेटेड है, उससे पता लगता है कि उस पर्टिकुलर कम्युनिटी का वहाँ पे क्लाइमेट कैसा रहता है, मौसम कैसा रहता है, वहाँ कौन कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, पानी कहाँ से आता है, ठीक है, वहाँ की हवा कैसी है, ठीक है, और वहाँ मौसम कैसा रहता है, सर्दियाँ ज़्यादा पड़ती हैं, बारिश ज़्यादा होती है, गर्मियाँ ज़्यादा पड़ती हैं, वो समुद्र के किनारे है या रेगिस्तान में है या पहाड़ों में है या फिर प्लेन एरिया में है। ठीक है, हेल्थ थ्रेट्स, तो उसी के अकॉर्डिंग, उस लोकेशन के अकॉर्डिंग अलग अलग टाइप के हेल्थ थ्रेट्स होते हैं। हेल्थ थ्रेट्स मतलब कि वहाँ वो चीज़ें जिनसे कि कोई पर्टिकुलर हेल्थ प्रॉब्लम होने का खतरा हो, ठीक है, उनको कहते हैं हम हेल्थ थ्रेट्स एंड डेंजर्स। तो एक पर्टिकुलर, मैंने कई बार आपको बताया है कि जो रेगिस्तान के लोग होते हैं वहाँ पे पानी के रिसोर्सेज, पानी कम मिलेगा तो वहाँ पे अलग तरीके डिहाइड्रेशन से लोग जो है उनको प्रॉब्लम, डायरिया है, ये ऐसी प्रॉब्लम मिलेंगी, डिहाइड्रेशन से लोग मर रहे हैं। पहाड़ों में आपको अलग तरह की प्रॉब्लम मिलेंगी, ठीक है, और जो समुद्र के आसपास लोग रहते हैं उनकी अलग तरह की हेल्थ प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा अच्छा, आप कम्युनिटी आइडेंटिफिकेशन के लिए जाते हो तो एक तो पहले वहाँ की ज्योग्राफिकल एरिया देखते हो, लोकेशन देखते हो कहाँ पे है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वहाँ के हेल्थ थ्रेट्स और हेल्थ डेंजर्स या फैक्टर्स या रिसोर्सेज, इनके बारे में आपको पता लगता है। दूसरा, उसका फिजिकल सेटअप देखते हैं हम, ठीक है, कि वहाँ पे पैटर्न ऑफ सेटलमेंट कैसा है, लोग कैसे रहते हैं, मतलब फ्लैट्स में रहते हैं, ठीक है, या अपना इंडिपेंडेंट हाउसेज हैं, कच्चे घर हैं या पक्के घर हैं, ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ ड्वेलिंग, रहने का अरेंजमेंट कैसा है वहाँ पे, आसपास दूसरे बिल्डिंग्स है कौन कौन सी हैं, ठीक है, गलियाँ कैसी हैं वहाँ पे, पक्की हैं, रोड है, कच्ची है, ठीक है, कनेक्टिंग रोड्स कैसे हैं वहाँ पे, ठीक है, एक गांव से और मेन जो हाईवे है वहाँ तक जाने के लिए किस तरह की कनेक्टिंग रोड्स हैं, इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क्स कौन कौन से हैं वहाँ पे, इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से, अगर आपको कहीं जो मान लीजिए एग्जांपल देते हैं कि आपको भेजा जाएगा बिसरखी कम्युनिटी में, ठीक है, बिसरखी कम्युनिटी में आप जाओगे तो आप वहाँ पे देखोगे कि वहाँ पे लोगों के घर किस तरह के हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंट हाउसेज हैं ज़्यादातर, गांव हैं बिसरख, इंडिपेंडेंट हाउसेज हैं, आसपास जो है खेत हैं, ठीक है, उसके बाद वहाँ पे देखोगे कि आसपास कैसी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, वहाँ पे गलियाँ कैसी हैं, टूटी फूटी है, पक्की बनी हुई हैं, कनेक्टिंग रोड्स जो मेन जहाँ से ट्रांसपोर्टेशन मिलता है वहाँ हाईवे तक पहुँचने के लिए कनेक्टिंग रोड्स कैसी हैं, उसके बाद वहाँ पे आसपास लैंडमार्क्स कौन कौन से हैं,
ठीक है, लैंडमार्क्स हो गए, जैसे आपका CHC बिसरख हो गया, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बिसरख, ठीक है, ये लैंडमार्क हो गया। उसके पास में एक गवर्नमेंट स्कूल है, उसके पास में एक प्राइवेट स्कूल है, ये लैंडमार्क्स हो गए, ठीक है। वहाँ आसपास इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से, आसपास कोई हॉस्पिटल है प्राइवेट या गवर्नमेंट या कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ठीक है, ये आपको देखना है। फिर आता है हमारा नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज में हमने देखना है, ये फिज़िकल सेटअप था, और फिर आता है हमारा नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज हम देखेंगे कि लैंड एरिया वहाँ पे किस तरह का है, ठीक है। लैंड एरिया से मतलब है प्लेन एरिया है, हिली एरिया है, ट्रॉपिकल है, या सी शोर के आसपास वाला एरिया है, ठीक है, किस तरह का लैंड एरिया है। क्लाइमेट कैसा है, मौसम कैसा है वहाँ, फॉरेस्ट आसपास है नहीं है, जंगल है नहीं है, फ्लोरा फौना आसपास जो ये हरा भरा जो वो है फ्लोरा फौना होता है, ये आपके पेड़ पौधे, और फौना का मतलब है एक्वेटिक, जो नदी हो गया, हम नदी हो गई, समुद्र हो गया, ठीक है, नहरें हो गई, ये सब पानी से रिलेटेड जो होते हैं। मिनरल्स वहाँ पे कौन कौन से मिलते हैं, खनिज पदार्थ, वाटर, पानी के रिसोर्सेज क्या हैं वहाँ पे, ये आपको नेचुरल रिसोर्सेज में देखने हैं। उसके बाद है इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क और इंस्टीट्यूशंस आपको देखने हैं। एनवायरमेंटल सैनिटेशन, साफ सफाई, एनवायरमेंट कितना साफ सुथरा है वहाँ पे, एयर पॉल्यूशन कितना है, वाटर पॉल्यूशन कितना है, सॉइल पॉल्यूशन कितना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप, नॉइस पॉल्यूशन कितना है, लाइट पॉल्यूशन कितना है, ये सब देखना है। उसके बाद है पॉपुलेशन करेक्टरिस्टिक्स। पॉपुलेशन करेक्टरिस्टिक्स में पहले आपने देखा कि ज्योग्राफिकल एरिया, अब सेकंड जो डायमेंशन है कि कम्युनिटी आइडेंटिफिकेशन के लिए जाओगे या कम्युनिटी असेसमेंट के लिए जाओगे, पहले तो उसका ज्योग्राफिकल एरिया या बाउंड्रीज देखोगे, ठीक है, फिज़िकल सेटअप देखोगे, वो सारी चीज़ें जो मैंने अभी बताई हैं। उसके बाद दूसरी चीज़ क्या देखोगे, पॉपुलेशन की क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, जो वहाँ पर कम्युनिटी के लोग रह रहे हैं उसके करेक्टर्स, यानी कि साइज़, कम्युनिटी का, पर्टिकुलर कम्युनिटी का साइज़ कितना है, वहाँ कितनी पॉपुलेशन है। तो एग्जांपल हम लेके चल रहे हैं बिसरख विलेज का, तो बिसरख की टोटल पॉपुलेशन कितनी है, ये पॉपुलेशन साइज़ हो गया। डेंसिटी कितनी है कि एक स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में, एक किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में कितने लोग रहते हैं, ठीक है, मतलब एक किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में लोगों की संख्या कितनी है, वो डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी हो गई। उसके बाद कॉम्पोजिशन, कॉम्पोजिशन का मतलब है कि एज के अकॉर्डिंग, जैसे 5 साल से छोटे बच्चे कितने हैं वहाँ पे, 5 साल से लेके और 18 साल तक के कितने हैं वहाँ पे, उसके बाद 18 साल से लेके और 45 ईयर्स तक कितने हैं, 45 ईयर्स से लेके 60 तक कितने हैं, 60 से अबव कितने हैं, इस तरह जो है ये एज के अकॉर्डिंग कैटेगरीज कॉम्पोजिशन कितनी है। जेंडर, या जेंडर मतलब मेल्स कितने हैं, फीमेल्स कितनी हैं। एजुकेशन, लोगों की एजुकेशन वहाँ पे किस हिसाब से है, कि प्राइमरी एजुकेशन 5th class तक कितने लोगों की एजुकेशन है, 10th class तक कितने लोगों की एजुकेशन है, 12th class तक कितने लोगों की एजुकेशन है, कितने लोग ऐसे हैं जो जिन्होंने ग्रेजुएशन की हुई है, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है, कितने लोग ऐसे हैं कि डॉक्टरेट की हुई है, ठीक है। तो और लोगों का ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग कॉम्पोजिशन कैसा है, मतलब कोई प्राइवेट सर्विस करता है, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, किसी का अपना बिजनेस है, ठीक है, कोई हाउसवाइफ या होम मेकर है, ठीक है, इस तरह से ऑक्यूपेशन देखना है, या खेतीबाड़ी करता है कोई, ठीक है। उसके बाद वाइटल इवेंट्स, वाइटल इवेंट्स वहाँ पे देखने हैं, वहाँ का मोर्टेलिटी रेट क्या है, मॉर्बिडिटी रेट्स क्या है, मोर्टेलिटी रेट अलग अलग मैंने आपको बता चुकी हूँ इंडिकेटर्स,
जैसे कि चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट हो गया, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट हो गया, ये सारे अलग अलग इंडिकेटर्स हैं, तो वो आपने वहाँ के देखने हैं वाइटल इवेंट्स। उसके बाद वनरेबल या हाई रिस्क ग्रुप, ठीक है, हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं, जैसे कि वनरेबल और हाई रिस्क ग्रुप इसलिए इनको बोला गया कि ये किसी भी डिजीज़, किसी भी हेल्थ प्रॉब्लम के होने का रिस्क इनको सबसे ज़्यादा होता है, जैसे कि छोटे बच्चे हो गए, बूढ़े लोग हो गए, प्रेग्नेंट मदर्स हो गई, या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पर्सन जिनको पहले से ही कोई बीमारी है, उनकी इम्यूनिटी कम है, ठीक है, तो वो हो गए इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पर्सन्स, कैंसर के पेशेंट्स हो गए इनमें जैसे, और टीबी के पेशेंट्स हो गए, एचआईवी के पेशेंट्स हो गए, ये इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स होते हैं। उसके बाद है सोशल स्ट्रक्चर, थर्ड आप देखोगे कि वहाँ पे सोशल स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। तो पहला आपने क्या देखा, वहाँ का ज्योग्राफिकल पैटर्न, दूसरा आपने क्या देखा, वहाँ की पॉपुलेशन की करेक्टरिस्टिक्स, थर्ड आप देखेंगे वहाँ पे सोशल स्ट्रक्चर कैसा है वहाँ पे लोगों का। इसका मतलब है इट रेफर्स टू सपोर्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ सोसाइटी एंड इज़ कंसर्न्ड विद म्यूचुअल रिलेशंस ऑफ ह्यूमन बीइंग, कि वहाँ पे सोसाइटी किस तरह की है, समाज किस तरह का है और लोगों के आपस में रिलेशन कैसे हैं, इसमें सारे सोशल एलिमेंट्स आते हैं। वो सोशल एलिमेंट कौन कौन से हैं, जैसे कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब है समाज किस तरह से बटा हुआ है, जाति के हिसाब से, ज़्यादातर जो हमारे यहाँ पे इंडियन कल्चर में समाज जो है बटा हुआ है जाति के हिसाब से गांव में, ठीक है, शहरों में आपने देखा होगा ऑक्यूपेशन के हिसाब से या लिविंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, ठीक है। तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, स्ट्रेटिफिकेशन इसे कहते हैं। उसके बाद सोशल कंट्रोल सिस्टम, कि वहाँ पे जो सामाजिक जो कंट्रोल सिस्टम किसकी चलती है वहाँ पे, ठीक है, या तो गवर्नमेंट, या फिर जो वहाँ पे पंचायत है, या फिर कोई और जो सोशल मेंबर्स हैं वहाँ के, उनका कंट्रोल है वहाँ पे, ठीक है, तो किसका सामाजिक वहाँ पे चलता है। उसके बाद है कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन एंड ग्रुप डायनेमिक्स, कम्युनिटी वहाँ किस तरह के जो समाज है वो किस तरह की वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, संगठन या ग्रुप डायनेमिक्स किस तरह से ग्रुप्स जो है वहाँ पे डिवाइडेड है, ठीक है। उसके बाद है लीडरशिप पैटर्न, कि वहाँ पे लीडरशिप पैटर्न किस तरह का है, ऑथोरिटेटिव है या डेमोक्रेटिक है, किस कहीं कहीं देखा होगा कहीं किसी किसी जगह पे एक पर्टिकुलर जो गुंडे टाइप लोग होते हैं उनका जो लीडरशिप चलती है, जो कई जगह पॉलिटिकल जो प्रेशर है वो ज़्यादा होता है, कई जगह जो है डेमोक्रेटिक मतलब सारे लोग मिलजुल कर सलाह के साथ एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे की बात मानते हैं, एक दूसरे के काम करते हैं, तो ये लीडरशिप पैटर्न इसको कहते हैं। उसके बाद लाइफस्टाइल, वहाँ के लोगों का रहने सहने का तरीका कैसा है, ठीक है, अर्बन में अलग होगा, रूरल में अलग होगा। कम्युनिकेशन सिस्टम कैसा है, लोग जो है आपस में किस तरीके से बात करते हैं, उनका आपस में जो है रिलेशन कैसे हैं, या फिर इसमें आपका जो है ट्रांसपोर्टेशन भी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है डायग्नोसिस फेस, डायग्नोसिस फेस में आप क्या करेंगे कि जो कम्युनिटी आपने आइडेंटिफाई की है उसे डिफाइन करेंगे कि ये पर्टिकुलर कम्युनिटी मैं स्टडी करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, ठीक है, उसके कम्युनिटी आइडेंटिफिकेशन के ऑब्जेक्टिव्स पता करेंगे कि क्या है। उसके बाद स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अगर कोई है वो हेल्थ रिलेटेड, उस कम्युनिटी के बारे में कोई हेल्थ रिलेटेड आपको स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिली हो वो पता करेंगे, कि मान लीजिए उस पर्टिकुलर कम्युनिटी में टीबी के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद आइडेंटिफाई द पॉपुलेशन एंड सैम्पलिंग यूनिट अंडर स्टडी, वहाँ जो भी पॉपुलेशन आपने स्टडी कर ली है, ठीक है, उसके बारे में पता करेंगे। सैम्पलिंग यूनिट होती है एक, जैसे पूरे बिसरख गांव को आपने ले लिया, बिसरख गांव ये पॉपुलेशन हो गई आपकी,
ठीक है, उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन में से आप स्टडी कर रहे हो, मान लीजिए सिर्फ 18 साल से ऊपर के लोगों पे, ठीक है, 18 साल से ऊपर के लोगों से आप पता कर रहे हो जो कुछ भी, ठीक है, तो वो आपकी हो गई सैम्पलिंग यूनिट, ठीक है। उसके बाद है डिसाइड ऑन द सैम्पल साइज एंड सैम्पलिंग मेथड। आपको डायग्नोसिस फेस में ये डिसाइड करना है कि आप कितना सैम्पल साइज लेना चाहते हो, कितने लोग, 100 लोगों से आप पता करोगे या 50 लोगों से आप पता करोगे या आप 200 लोगों से पता करोगे, ये सैम्पल साइज हो गया। और सैम्पलिंग मेथड कि किस तरह से आप जो है सैम्पलिंग करो, किस तरह सेलेक्ट करोगे उन्हें कि आपको ये लोग ही लेने हैं रैंडमली, ठीक है, जो कोई भी मिल गया 18 साल से ऊपर का वो ले लिया आपने, या तो है ना, या फिर आपने एक घर से एक बंदा ले लिया, एक पर्सन ले लिया कि हर एक घर से एक पर्सन जो है 18 साल से ऊपर का वो उससे आप पूछताछ करोगे, ठीक है। उसके बाद है डिसाइड ऑन द मेथड्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ डेटा कलेक्शन। आपको डेटा कलेक्शन के मेथड्स और इंस्ट्रूमेंट्स डिसाइड करने हैं कि आप कौन से यूज़ करने वाले हो। फॉर एग्जांपल इंटरव्यू लोगे आप लोगों का, या जो है सर्वे करोगे आप, या ठीक है इस तरह के जो है अभी हम पढ़ेंगे कि अलग अलग मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद ऑर्गेनाइज एंड कंडक्ट सर्वे। लास्ट में आप जो है एक सर्वे ऑर्गेनाइज करोगे और उसे सर्वे कंडक्ट करोगे। तो फिर आप क्या करोगे, डेटा एनालिसिस करोगे। जो आपने डेटा जो कलेक्ट किया है असेसमेंट में, उसको एनालाइज करोगे। एनालिसिस ऑफ डेटा कंसिस्ट ऑफ पुटिंग ऑल द फैक्चुअल इंफॉर्मेशन कलेक्टेड इनटू एन ऑर्डर। जितनी भी आपको इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट की है उसको एक ऑर्डर में जो है सेट करना, वो कहते हैं उसको डेटा एनालिसिस। उसको कंपाइल करना और उसको समराइज करना कि जो भी आपने स्टडी करनी है कि भाई आपने देखा इतने, आपने अलग अलग इन्फॉर्मेशन ले ली सबसे, ठीक है, सर्वे कर लिया, तो आपको अब फाइनल आपने समराइज भी तो करना है उस चीज़ को कि भाई कितने लोग हैं जिनको ये प्राइमरी एजुकेशन पूरी हुई है, कितने बच्चे हैं वहाँ पे जो इम्यूनाइज्ड है, फुली इम्यूनाइज्ड है, कितने बच्चे हैं जो अनइम्यूनाइज्ड हैं, ठीक है। इस तरह जो है आपने डेटा एनालिसिस करनी है। उसके बाद है क्लैरिफाई द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ प्रॉब्लम्स। वहाँ पे जो हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं उस कम्युनिटी की, वो उसने उसमें आपने देखना है कि किस तरह की हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं और कितनी ज़्यादा फैली हुई, किस एक्सटेंट तक फैली हुई हैं। द फैक्टर्स एसोसिएटेड विद द प्रॉब्लम्स एंड रिजल्टेंट कॉन्सिक्वेंसेस, कि वहाँ क्या क्या फैक्टर्स हैं उन प्रॉब्लम्स से रिलेटेड, ठीक है, जिनकी वजह से वो हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, वो कौन कौन से फैक्टर हैं और उसका कंसिक्वेंस क्या होगा, ये आपने क्लैरिफाई करना है इस डेटा एनालिसिस में। और आपने कम्युनिटी प्रोफाइल और डायग्नोसिस बनाना है। कम्युनिटी डायग्नोसिस वो स्टेटमेंट होता है जिससे कम्युनिटी की हेल्थ नीड या हेल्थ प्रॉब्लम का पता चलता है जब हम डेटा कलेक्शन करते हैं उसके बाद। तो डेटा कलेक्शन से जो कम्युनिटी की हेल्थ नीड्स या हेल्थ प्रॉब्लम्स का जो स्टेटमेंट आता है कि इस पर्टिकुलर कम्युनिटी में जो है क्या क्या हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, वो हमें जो पता लगता है उसको कहते हैं हम कम्युनिटी प्रोफाइल एंड डायग्नोसिस। जैसे एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की डायग्नोसिस क्या बन सकती है कि यहाँ पे जो है थ्रेट है या कम्युनिकेबल डिजीज़ का या कुछ पर्टिकुलर डिजीज़ का ड्यू टू अनइम्यूनाइज चिल्ड्रन, ठीक है, यहाँ पे बच्चों का जो है इम्यूनाइजेशन नहीं हुआ है उसकी वजह से जो है थ्रेट है कुछ पर्टिकुलर डिजीज़ का, ठीक है। उसके बाद दूसरा आप देख सकते हो, दूसरी प्रायोरिटी क्या ले सकते हो कि पर्टिकुलर कम्युनिटी के ड्यू टू लैक ऑफ एनवायरमेंटल सैनिटेशन वहाँ पे जो है कम्युनिकेबल डिजीज़ या वेक्टर बॉर्न डिजीज़ उसका जो है हेल्थ थ्रेट ज़्यादा है, रिस्क ज़्यादा है, ठीक है।
तो कि इस तरह के आपने कम्युनिटी डायग्नोसिस बनाने हैं। उसके बाद ये हम देखते हैं कि कुछ क्या अप्रोचेज या मेथड्स हम यूज़ करते हैं डेटा कलेक्शन के लिए। सबसे पहले कम्युनिटी फॉरम मेथड, मतलब कि आप फॉर्मली या इनफॉर्मली कम्युनिटी के लोगों से मिलोगे। इट रेफर्स टू इनफॉर्मल और फॉर्मल मीटिंग विद कम्युनिटी पीपल, लीडर्स, कम्युनिटी के जो लीडर्स हैं वहाँ पे, और ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स। ठीक है, कम्युनिटी के जो ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स हैं, जैसे कि कुछ स्वयंसेवक होते हैं, कुछ गांव की महिलाओं के कुछ ग्रुप्स होते हैं, इस तरह से जो है आप उन लोगों से फॉर्मली या इनफॉर्मली मीटिंग करोगे, मिलोगे, जो कि एक दूसरे की हेल्प करते हैं। और उनको क्या करने के लिए, उनको कॉमन इन्फॉर्मेशन, कम्युनिटी हेल्थ से रिलेटेड हेल्थ की इन्फॉर्मेशन देने के लिए, ठीक है, कम्युनिटी हेल्थ से रिलेटेड कॉमन इन्फॉर्मेशन देने के लिए उनसे आप फॉर्मल और इनफॉर्मल मीटिंग करोगे। तो ये हो गया कम्युनिटी फॉरम मेथड। उसके बाद आता है हमारा ऑब्जर्वेशन मेथड, कि आप गए, आप मिले लोगों से, लेकिन आपने सिर्फ ऑब्जर्वेशन की, ठीक है, ऑब्जर्वेशन से ही आपने पता लगा लिया कि क्या जो है उनकी प्रॉब्लम्स हैं और उनको किस तरीके से प्लान किया जाना चाहिए उन्हें सॉल्व करने के लिए, क्या स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स वहाँ चाहिए, ताकि जो है उनको जो है हम हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। सो ऑब्जर्वेशन, इट इज़ वन ऑफ द बेसिक मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन। जब आप पहली बार जाते हैं ना, तो आप सिर्फ ऑब्जर्वेशन करते हैं, आप अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, आप बहुत ज़्यादा उनसे पूछताछ नहीं कर सकते पहली बार में, तो आप सिर्फ ऑब्जर्वेशन के थ्रू वहाँ डेटा कलेक्शन कर सकते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेटरी विजिट्स, दो तरह की ऑब्जर्वेटरी विजिट्स होती हैं, एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल। ठीक है, फॉर्मली आप गए अपने फुल यूनिफॉर्म में, और एक दूसरा आप ऐसे ही इनफॉर्मली गए, ठीक है, आपने जान पहचान की, आपने पूछताछ की, ठीक है, और आप आ गए। तो दीज विजिट्स नीड टू बी प्लान्ड, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स नीड टू बी आइडेंटिफाइड अकॉर्डिंग ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट कैन बी प्रिपेयर्ड टू कलेक्ट एंड रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन। तो इन विजिट्स को अच्छे से प्लान किया जाना चाहिए, जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हैं वो उनको अच्छे से बनाना चाहिए, कि ऑब्जर्वेशन जो विज़िट करने जा रहे हो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपके स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव क्या है, आपने क्या क्या ऑब्जर्व करना है, और उसके अकॉर्डिंग जो है ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट बननी चाहिए टू कलेक्ट एंड रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन, ताकि जो इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट करने जा रहे हो उसको अच्छे से कलेक्ट कर सको और रिकॉर्ड कर सको। उसके बाद है क्वेश्चनिंग मेथड। क्वेश्चनिंग मेथड, इट इज़ ए मेथड टू एलिसिट या ड्रॉ आउट नीडेड इन्फॉर्मेशन बाय आस्किंग रेलिवेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चनिंग मेथड, आप क्वेश्चन पूछते हो और लोग उसका जवाब देते हैं, ठीक है, तो जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए उसका आंसर लेने के लिए जो मेथड यूज़ किया जाता है, बाय आस्किंग रेलिवेंट क्वेश्चन, रेलिवेंट का मतलब है हेल्थ से रिलेटेड, ठीक है, रेलिवेंट मतलब रिलेटेड। तो यहाँ पे हम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग प्रोसेस में क्या करेंगे, हेल्थ से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछेंगे, तो रेलिवेंट क्वेश्चंस पूछते हो और उसके आंसर्स आप को मिलते हैं, तो आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए ये मेथड क्वेश्चनिंग मेथड कहलाता है। उसके बाद है रिकॉर्ड रिव्यू मेथड। रिकॉर्ड रिव्यू मेथड में कोई पुराने रिकॉर्ड्स जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में या प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में जो लोगों के पुराने रिकॉर्ड्स होते हैं, या फिर लोगों के घर पे उनके पुराने रिकॉर्ड्स, पुरानी हेल्थ रिकॉर्ड्स फाइल्स जो होती हैं, कभी पहले उन्होंने ट्रीटमेंट लिया है या कोई उन्होंने टेस्ट कराए हैं, वो हो गया हमारा रिकॉर्ड रिव्यू मेथड। उसको देख के हम जो अपना असेसमेंट करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं। फिर है हमारा कन्वर्जेशन या डिस्कशन मेथड। आप सिर्फ बातचीत करते हो उन लोगों से जाके, ठीक है, तो वो हो गया बातचीत के थ्रू जो है आप उनसे उनकी बातें निकलवाते हो, तो वो हो गया कन्वर्जेशन या डिस्कशन मेथड। दूसरे मेथड्स हैं, अदर मेथड्स, जैसे कि फिज़िकल एग्जामिनेशन, क्लिनिकल एग्जामिनेशन या इन्वेस्टिगेशंस। आप वहाँ पे जाके उनकी फ़िज़िकल एग्जामिनेशन कर सकते हो, क्लिनिकल एग्जामिनेशन कर सकते हो क्लिनिक पे बुला के, और जो है
कुछ इन्वेस्टिगेशन, यानी जैसे कि ब्लड टेस्ट हो गए आपके, एक्सरे हो गया आपका, अल्ट्रासाउंड हो गया आपका, ये सारे इन्वेस्टिगेशंस में आते हैं, ये करा सकते हो। उसके बाद प्लानिंग फेज, थर्ड फेज कौन सा हो गया, प्लानिंग फेज। प्लानिंग फेज में आप जो सबसे पहले तो कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम्स या हेल्थ नीड्स आपको मिली हैं, आप फिर से उनको एनालाइज करोगे, ये आपका सेकेंड फेज ऑफ असेसमेंट भी कहलाता है प्लानिंग फेज, ठीक है। क्योंकि देखो, एक बार आपने सबसे पहले गए, आपने वहाँ पे कम्युनिटी आइडेंटिफिकेशन किया, ठीक है, आप लोग, आपने लोगों के साथ अच्छे रिलेशनशिप बनाए, उसके बाद सेकंड जो है आप कम्युनिटी डायग्नोसिस आपने बना लिया कि यहाँ ये हेल्थ प्रॉब्लम है। थर्ड आपका प्लानिंग फेज आएगा, प्लानिंग में आप प्लान करने से पहले एक बार फिर से हेल्थ प्रॉब्लम्स को एनालाइज करोगे, ठीक है। उसके बाद आप प्रायोरिटी एस्टेब्लिश करोगे कि उनमें से सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसको दी जाए, सबसे ऊपर कौन सी हेल्थ नीड को फर्स्ट नंबर पे रखा जाए सॉल्व करने के लिए, ठीक है। उसके बाद सेकंड किसकी बारी आनी चाहिए, सबसे पहले मान लीजिए किसी घर में आप गए और वहाँ पे एक ओल्ड एज पर्सन है, उसको हार्ट अटैक हुआ है, ठीक है, और एक उसकी वाइफ को जो है जॉइंट्स में पेन है, और तीसरा एक छोटे बच्चे को जो है फीवर है। तो आप सबसे पहले आप क्या करोगे, आप क्या की प्रायोरिटी क्या होगी, ठीक है, सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी क्या होगी, उस ओल्ड एज पर्सन को हॉस्पिटल लेके जाना, ठीक है, और उसकी मदर, जो छोटा बच्चा है उसकी मदर को बोलना कि इसे जो है छोटे बच्चे को या तो अपनी तरफ से PCM दे देना और या फिर उसको पास के हेल्थ सेंटर जाने को बोलना, ठीक है। तो एस्टेब्लिशिंग प्रायोरिटी में आप प्रायोरिटी सेट करते हो कि सबसे पहले कौन सी हेल्थ प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाना चाहिए। उसके बाद है सेटिंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, फिर आप जो है गो अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम आप गोल सेट करोगे, ऑब्जेक्टिव सेट करोगे उसका, ठीक है। गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, गोल एक ब्रॉड लेवल पे होता है कि इस पूरे जो है प्लानिंग में आप जब गोल बनाते हो तो ओवरऑल क्या प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम हम दूर कर रहे हैं, और ऑब्जेक्टिव्स जो है पर्टिकुलर हेल्थ प्रॉब्लम के जो है एक एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होता है, तो उसको हम देखते हैं कि भाई जैसे गोल तो आपका हो गया इस पर्टिकुलर घर का हमने जो है हेल्थ प्रॉब्लम्स दूर की, और ऑब्जेक्टिव्स आपके हो गए कि भाई उसके छोटे बच्चे को के फीवर के लिए आपने PCM दी या उसे वहाँ पे रेफ़र कर दिया हेल्थ सेंटर, और उसको आप वहाँ किसी अच्छे हॉस्पिटल में ले गए, ट्रांसपोर्टेशन आपने ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प की जो हार्ट अटैक हुआ है, ठीक है, ये आपके स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हो गए, आप ये करोगे। उसके बाद फॉर्मुलेटिंग कम्युनिटी हेल्थ एक्शन प्लान टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स, आपने जो कम्युनिटी हेल्थ एक्शन प्लान फॉर्मुलेट करना है कि आपने सबसे पहले क्या करना है, उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने क्या करना है, इसके लिए जो है ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए अपने। उसके बाद एनालिसिस ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम, सबसे पहले एनालिसिस ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम आता है इसमें प्लानिंग फेज में, तो ईच प्रॉब्लम नीड टू बी एनालाइज्ड, इट मे रिक्वायर कलेक्शन ऑफ सम मोर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रॉब्लम्स इफ ऑलरेडी कलेक्टेड डेटा डज नॉट प्रोवाइड सच इंफॉर्मेशन, ठीक है। अगर जो पहले हमने जो डेटा कलेक्ट किया है, जो कम्युनिटी आइडेंटिफिकेशन किया है, उसके बाद डेटा कलेक्ट किया है, उससे अगर हमारी प्रॉब्लम अगर हमारी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल नहीं पा रही है, ठीक है, अगर कोई पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन उसमें रह गई है, तो हम फिर से उस प्रॉब्लम को एनालाइज करेंगे और फिर से जो है डेट इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे। जैसे कि इनकम्प्लीट इम्यूनाइजेशन है, तो इनकम्प्लीट उसमें आप डेटा कलेक्ट करके तो आ गए, इनकम्प्लीट इम्यूनाइजेशन है, अब किस चीज़ का जो है उसको इम्यूनाइजेशन उसका नहीं हुआ है उस पर्टिकुलर बच्चे का,
ठीक है, तो ये आप एनालिसिस ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम में करोगे। मेल न्यूट्रिशन है, आपने ये तो आइडेंटिफाई कर लिया स्टार्टिंग में कि भाई माल न्यूट्रिशन है, अब किस चीज़ की वजह से, किस न्यूट्रिएंट की वजह से उसको माल न्यूट्रिशन है, प्रोटीन की वजह से, कार्बोहाइड्रेट्स की वजह से, विटामिन ए की वजह से, किस चीज़ की वजह से उसको माल न्यूट्रिशन है। सो दिस नॉन एज प्रॉब्लम ओरिएंटेड असेसमेंट, इसको हम जो इस फेज को हम प्रॉब्लम ओरिएंटेड असेसमेंट या सेकेंड लेवल ऑफ असेसमेंट भी बोलते हैं प्लानिंग को। फिर आता है एस्टैब्लिशिंग प्रायोरिटी, तो इट रेफर्स टू रैंकिंग ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाइड बाय डिटरमाइनिंग देयर रिलेटिव इम्पॉर्टेंस ऑन द बेसिस ऑफ प्री डिटरमाइंड क्राइटेरिया। जो हमने पहले से निश्चित किया हुआ है क्राइटेरिया, उसके अकॉर्डिंग हेल्थ प्रॉब्लम्स को कौन कौन सी रैंक दी जानी चाहिए, कौन सी हेल्थ प्रॉब्लम पहले नंबर पे आनी चाहिए, कौन सी दूसरे नंबर पे आनी चाहिए, किसको कितनी इम्पॉर्टेंस देनी चाहिए हेल्थ प्रॉब्लम्स को, कौन सी हेल्थ प्रॉब्लम ऐसी है जो सबसे पहले सॉल्व करनी है, कौन सी उसके बाद भी की जा सकती है और कौन सी उसके बाद फर्दर सॉल्व की जा सकती हैं। तो कुछ क्राइटेरियाज हैं जिनके अकॉर्डिंग हम प्रायोरिटी सेट करते हैं, वो कौन कौन से क्राइटेरिया, एक तो हेल्थ प्रॉब्लम किस टाइप की है, इस बेसिस पे डिपेंड करता है हमारी प्रायोरिटी सेट करना। दूसरा, प्रॉब्लम किस एक्सटेंट में है, कि कहाँ तक फैली है, किस हद तक फैली है, ठीक है, तो उस पे बेस्ड होता है हमारा प्रायोरिटी सेट करना। फिर सीवियरिटी ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द प्रॉब्लम, कि अगर इस प्रॉब्लम को अभी सॉल्व नहीं किया गया तो इसका परिणाम क्या होगा, कितना सीवियर होगा, तो इस बेसिस पे भी हम प्रायोरिटी सेट करते हैं। उसके बाद सेलियंस, दिस रेफर्स टू कम्युनिटीज परसेप्शन एंड इवेल्युएशन ऑफ द प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ सीरियसनेस एंड अर्जेंसी ऑफ अटेंशन नीडेड। सेलियंस का मतलब होता है कि कम्युनिटी क्या सोचती है, कि कम्युनिटी के लोग जो पर्टिकुलर हम फैमिली में जा रहे हैं वहाँ के लोग क्या सोचते हैं कि प्रॉब्लम कितनी सीरियस है और उसको कितनी जल्दी सॉल्व किया जाना चाहिए, ठीक है, तो उसको हम इस बेसिस पे भी जो है हम प्रायोरिटी सेट करते हैं। और प्रिवेंटिव पोटेंशियल, कि किसी पर्टिकुलर बीमारी को की प्रिवेंशन की जा सकती है या नहीं, उसको रोका जा सकता है या नहीं, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई ऐसी बीमारी है या कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं होने से पहले ही, तो हम उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे बजाय कि हम किसी और प्रॉब्लम पे ध्यान दें कि जो हो चुकी है ऑलरेडी, ठीक है, वो तो हो चुकी है, उससे पहले हम उस पे ध्यान देंगे कि जो प्रॉब्लम अभी हुई नहीं है पर उसके होने के चांसेस हैं, उसको पहले ही रोक दें उसे होने से पहले। तो प्रिवेंटिव पोटेंशियल पे भी हम बेस कर प्रायोरिटी सेट करते हैं। मॉडिफाइबिलिटी ऑफ द प्रॉब्लम कितनी मॉडिफाई हम कर सकते हैं, किसी भी हेल्थ प्रॉब्लम को हम कितना चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है, तो इस पे भी हम जो है प्रायोरिटी सेट करते हैं। उसके बाद है सेटिंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। गोल सेट करेंगे हम, ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे, जब हमारी प्रायोरिटी एक बार सेट हो गई उसके बाद हम उन प्रायोरिटीज़ के अकॉर्डिंग अपने गोल और ऑब्जेक्टिव्स को सेट करेंगे। गोल होती है किसी भी डिज़ायर्ड आउटकम की ब्रॉड स्टेटमेंट, ठीक है, जो हमें चाहिए उसकी एक बड़ी बड़ी स्टेटमेंट एंड डायरेक्शंस टू रिजॉल्व आइडेंटिफाइड प्रॉब्लम, और उस हिसाब से हमें जो गोल है वो हमें डायरेक्शन देता है, वो हमें रास्ता दिखाता है कि जो हमने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की हैं उनको कैसे सॉल्व किया जाए। ऑब्जेक्टिव्स उसके स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स होते हैं, शॉर्ट और स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स होते हैं, जिससे कि हमें जो गोल के अकॉर्डिंग अपने एक्शंस लेने होते हैं, कि गोल अचीव करने के लिए जो हम स्टेप्स लेंगे, जो हम एक्शंस करेंगे, उनके स्पेसिफिक स्टेटमेंट को हम ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं, ठीक है। फॉर्मुलेटिंग कम्युनिटी हेल्थ एक्शन प्लान, उसके बाद लास्ट में हम जो है एक्शन प्लान बनाएंगे अपना। इट रेफर्स टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ एप्रोप्रिएट कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग इंटरवेंशन एंड प्रिपेयरिंग एन ऑपरेशनल प्लान टू बी इम्प्लीमेंटेड। इसका मतलब है कि हमने जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग इंटरवेंशन, मतलब कि हमने कौन कौन सी हेल्थ सर्विसेज हैं
वो यूज़ करनी है, वो आइडेंटिफाई करना और उसके अकॉर्डिंग जो है अपना ऑपरेशनल प्लान इम्प्लीमेंट करना, वो तैयार करना कि कौन सा ऑपरेशनल प्लान हमने इम्प्लीमेंट करना है, उसको तैयार हम करेंगे इसमें। ऑल द पॉसिबल ऑल्टरनेटिव इंटरवेंशन मस्ट बी लिस्टेड एंड एवेल्युएटेड टू सेलेक्ट मोस्ट सूटेबल। जितने भी हमारे पास जो इंटरवेंशन या जो हेल्थ सर्विसेज हम दे रहे हैं वो अवेलेबल है, ठीक है, या मान लीजिए हमने लिखा कि हम उस पर्टिकुलर किसी भी बच्चे को, हम घर में गए तो हमने देखा किसी बच्चे को डायरिया है, ठीक है, डायरिया है, तो वो अपने हम सबसे पहले क्या करेंगे, ORS सॉल्यूशन बनाना सिखाएंगे, ठीक है, पर बच्चे की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है कि ORS से काम नहीं चल सकता, तो ORS जो है हमारा पर्टिकुलर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग इंटरवेंशन हो गया, ठीक है। बट उस अगर मान लीजिए वो बच्चे की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है तो खाली ORS से काम नहीं चलेगा, तो हम उसको क्या करेंगे, उसको रेफ़र कर देंगे प्राइमरी हेल्थ सेंटर या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर या आसपास के किसी हॉस्पिटल में, तो वो हमारा एक अल्टरनेटिव इंटरवेंशन हो गया उस टाइम, ठीक है, एमरजेंसी के केस में। तो ये एक एग्जाम्पल है। उसके बाद उसमें हमने ये भी लिखना है अपने एक्शन प्लान में कि कौन कौन से अल्टरनेटिव्स हैं, अगर मान लीजिए वो जो हेल्थ सर्विस हम दे रहे हैं वो अगर उस टाइम पे नहीं पॉसिबल हो पाई तो उसके अलावा हम कौन कौन सी हेल्थ सर्विसेज यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और उसको इवेल्युएट करेंगे टू सेलेक्ट मोस्ट सूटेबल, ठीक है। अब कौन कौन से क्राइटेरिया है जिससे कि हमें हेल्प मिलती है कि हम ऑल्टरनेटिव एक्शंस को चूज़ कर सके, जैसे कि एजेंसी की पॉलिसी क्या है, ठीक है, एजेंसी की पॉलिसी मतलब कि किसी प्राइमरी हेल्थ सेंटर में वो सारे, जैसे प्राइमरी हेल्थ सेंटर में हम सारे इन्वेस्टिगेशंस नहीं करा सकते, लैब डायग्नोसिस नहीं कर, वहाँ पे अल्ट्रासाउंड्स और ये सब नहीं होगा, ठीक है, तो हम उसको कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में रेफ़र करेंगे। तो एजेंसी की पॉलिसी पे डिपेंड करता है कि हमारा जो हम दूसरे एक्शंस भी चूज़ कर सकते हैं, अल्टरनेटिव मतलब उस अगर एक चीज़ अगर पॉसिबल नहीं है तो उसके अलावा दूसरे एक्शंस जो हैं हम चूज़ कर सकते हैं। तो एक ये सबसे पहले डिपेंड करता है एजेंसी की पॉलिसी पे। उसके बाद रिसोर्सेज अवेलेबल क्या हैं, रिसोर्सेज हमारे पास कौन कौन से अवेलेबल है उस टाइम, अगर मान लीजिए हमने प्लानिंग में अपने जो एक्शन प्लानिंग में हमने जो सर्विसेज हैं, जो हेल्थ सर्विसेज हैं वो कुछ और डाली, लेकिन वो रिसोर्स हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है, मान लीजिए ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल नहीं है, हमने रेफ़र करना है किसी को, तो हम क्या करेंगे उस टाइम पे, हम क्या अल्टरनेटिव है हमारे पास, तो रिसोर्सेज हमारे पास कितने हैं उस पे, उसकी अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि हमें कौन सा एक्शन, कौन सा हेल्थ सर्विसेज हमने चूज़ करनी है। उसके बाद नेचर ऑफ़ द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम किस तरह की है, ठीक है, कि मान लीजिए अगर किसी को हार्ट अटैक आया है तो वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे तो नहीं ठीक होगा, उसको किसी बड़े हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाना पड़ेगा, ठीक है, हार्ट जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनको दिखाना पड़ेगा, तो नेचर ऑफ़ द प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है। कम्युनिटीज़ इंटरेस्ट एंड फीजिबिलिटी, कम्युनिटी का इंटरेस्ट कितना है और कम्युनिटी के लिए फीजिबल है कि नहीं वो हेल्थ सर्विस, फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप किसी लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस वाले किसी झुग्गी झोपड़ी में जो मजदूर हैं उनको उनके घर में जाते हो, ठीक है, और आप देखते हो वहाँ जो एक प्रेग्नेंट मदर है और उसको अनीमिया है, खून हीमोग्लोबिन कम है खून में, तो आपने उसको बता दिया अनार का जूस पीना है आपको डेली और आपने ये हरी पत्तेदार सब्जियाँ खानी है ताकि आपको आपका हीमोग्लोबिन बढ़े, तो ये पॉसिबल नहीं है उस लेडी के लिए क्योंकि उसका खाने के तो बड़े मुश्किल से पूरे पड़ते हैं, तो वो कहाँ से अफोर्ड करेगी। तो कम्युनिटी की फीजिबिलिटी और इंटरेस्ट पे शो करता है आपकी पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सा अल्टरनेटिव चुनना है, ठीक है, अपने एक्शन प्लान के लिए। तो आप क्या बताओगे उसको, गुड़ चना खाना बता सकते हो, ठीक है, उससे खून बढ़ेगा,
तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद है कॉम्पिटेंसीज ऑफ हेल्थ पर्सोनल, कि जो आप जो पर्टिकुलर हेल्थ पर्सनल जो वहाँ पे जा रहा है, कोई भी है, चाहे वो आप में से कोई है, चाहे कोई ANM है, चाहे कोई आंगनवाड़ी वर्कर है, वो कौन सा हेल्थ पर्सनल है, उसकी कॉम्पिटेंसी, उसकी कार्य क्षमता कैसी है, ठीक है, उसकी क्या कैपेबिलिटी है कि वो मान लीजिए आपको वहाँ पे आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं और आपको बोल दिया जाए कि इसकी सुचरिंग करो, ठीक है, टांके लगाओ, किसी को काक को कट लग गया है, डीप कट लग गया है, किसी घर में आप गए हो, वो आपको कहने लगे कि भाई इसका जो है टांके लगाने पड़ेंगे, तो टांके लगाओ, आप फर्स्ट ईयर में हो, आप नहीं लगा सकते, तो आपकी कैपेबिलिटी नहीं है, तो आप क्या करोगे, आप टांके नहीं लगाओगे, आप उसे रेफ़र कर दोगे कि हेल्थ सेंटर में चलो, हम वहाँ पर लगवाते हैं आपको, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कॉम्पिटेंसीज पे। फिर है प्रैक्टिकेबिलिटी एंड एफिशिएंसी, कि वो चीज़ वहाँ पे प्रैक्टिकेबल है या नहीं है, आप प्रैक्टिकली वो वहाँ पे कर सकते हो या नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप जो है किसी फैमिली में गए और वहाँ पे प्रेग्नेंट लेडी है, ठीक है, या फिर आप किसी फैमिली में गए, वहाँ आपने देखा कि किसी को फ्रैक्चर हुआ है। अब फ्रैक्चर हुआ है, आप इसको इन्वेस्टिगेशन कराना, आपने एक्सरे कराना है, तो दिस इज़ नॉट प्रैक्टिकेबली पॉसिबल कि आप एक्सरे मशीन वहाँ पे लाओ और उसका एक्सरे करो, आपको उसके लेके ही जाना पड़ेगा या आपको रेफर ही करना पड़ेगा उसको। तो ये प्रैक्टिकेबिलिटी इस पर डिपेंड करती है, और एफिशिएंसी कि कितनी आपकी एफिशिएंसी है, आपकी कार्यक्षमता किस हिसाब से है, आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हो। उसके बाद प्लानिंग विद द कम्युनिटी का मतलब है कि ये सारी आपने प्लानिंग, एक्शन प्लान सब बना लिया, लेकिन आप जो ये प्लान बनाओगे ये हमेशा कम्युनिटी के साथ मिलके बनाओगे, कम्युनिटी के लोगों के साथ मिलके बनाओगे, क्योंकि ये उन्हीं लोगों के लिए है प्लान, कम्युनिटी के लोगों के लिए है प्लान, तो ये उन्हीं के साथ मिलके बनेगा तो वो ज़्यादा बेटर होगा, वो उसमें उनकी एक्सेप्टेंस भी होगी और उनकी सेल्फ एस्टीम, ठीक है, खुद के लिए जो इज्जत होती है वो भी बनी रहेगी, बट ऑल्सो क्रिएट इंटरेस्ट इन देम, इससे उनका इंटरेस्ट भी उसमें आएगा कि हाँ ये देखो हमारे लिए काम कर रहे हैं ये लोग, तो हमें भी जो है इनकी मदद करनी चाहिए और हमें इनके साथ कोऑपरेट करना चाहिए, और उनमें जो है सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, वो अपनी हेल्थ के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे, ठीक है, कि उनके साथ मिल के हाँ देखो हमारे लिए काम कर रहे हैं, तो हमें भी थोड़ा सा हमें बता के जा रहे हैं कि हमारी हाइपरटेंशन बीपी हाई रहता है, तो हमें एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, हमें घूमना चाहिए, हमें जो है लाफिंग थेरेपी करनी चाहिए, तो वो खुद भी रिस्पॉन्सिबल होंगे कि वो खुद तैयार रहेंगे कि हाँ हमें करना है, ठीक है, और उनमें ऑटोनॉमी यानी कि खुद वो जो है खुद अपना जो है अपने लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे एक तरह से, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा फोर्थ स्टेप, ये है इम्प्लीमेंटेशन फेज। इम्प्लीमेंटेशन फेज रेफर्स टू पुटिंग द प्लान इनटू द एक्शन टू अचीव द सेट गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिटी हेल्थ। कम्युनिटी हेल्थ के हेल्थ जो आपने डायग्नोसिस बनाया था, ठीक है, उन गो और जो प्लान किया है उसके अकॉर्डिंग, डायग्नोसिस के अकॉर्डिंग जो प्लान किया है, उन गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए उस प्लान को एक्शन में लाना, ठीक है, उस प्लान को एग्जीक्यूट करना, ठीक है। एक तो आपने पेपर पे बना लिया कि भाई ये हमने करना है, दूसरा आप उसको करोगे, तो ये हो गया इम्प्लीमेंटेशन। द जनरल पर्पस और गोल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ एक्शन प्लान इज़ टू हेल्प पीपल लर्न टू हेल्प देमसेल्व्स इन रिजॉल्विंग देयर हेल्थ प्रॉब्लम। जो इसका जो ओवरऑल गोल है कम्युनिटी हेल्थ एक्शन प्लान का, जो आप प्लान बनाते हो, उसका गोल क्या है कि लोगों को ये सिखाना कि वो अपनी हेल्थ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए खुद की हेल्प कर सकें या एक दूसरे की हेल्प कर सकें, ये सिखाना इसका गोल होता है।
इन मीटिंग देयर ओन हेल्थ नीड्स, अपनी हेल्थ नीड्स को पूरा कर सके, और यूजिंग देयर रिसोर्सेज सो एज टू अटेन एंड मेंटेन ऑप्टिमम लेवल ऑफ हेल्थ। जो उनके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, रिसोर्सेज का मतलब है कि आसपास हॉस्पिटल जो हो गए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हो गए, ट्रांसपोर्टेशन हो गए, ये सारे रिसोर्सेज में आते हैं। उन रिसोर्सेज को यूज़ करके हेल्थ के एक अच्छे लेवल को मेंटेन करके रखना, ठीक है। फिर है इवेल्युएशन फेज। इवेल्युएशन वो प्रोसेस होती है जिससे हम कोई भी जो एक्टिविटी कर रहे हैं उस वो एक्टिविटी कितनी इफ़ेक्टिव है उसका पता करने के लिए जो है प्रोसेस यूज़ की जाती है उसको इवेल्युएशन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप जो है हाइड्रोथेरेपी करते हैं, किसी को बुखार है और आप हाइड्रोथेरेपी बताते हैं, तो वो मतलब कि ठंडे पानी से उसका जो है पट्टियाँ रखना, तो ठंडे पानी की पट्टियाँ रखने के बाद बुखार कितना कम हुआ या नहीं हुआ, ठीक है, ये चीज़ देखने के लिए कि जो आप एक्टिविटी कर रहे हैं वो कितनी इफ़ेक्टिव थी, उसको उस प्रोसेस को कहते हैं हम इवेल्युएशन, ठीक है। तो इसके लिए कुछ स्टैंडर्ड्स और कुछ क्राइटेरिया होते हैं, और ये एक ऑनगोइंग डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होती है। इवेल्युएशन हम हर एक स्टेप पे करते रहते हैं, ठीक है। हमने कम्युनिटी असेसमेंट किया, उसके बाद हमने इवेल्युएट किया कि ये सही किया या नहीं किया, हमने डायग्नोसिस बनाया, उसके बाद हमने इवेल्युएट किया कि ये सही था या नहीं था, हमने प्लानिंग की, वो भी हमने फिर से जो है हमने इवेल्युएट किया, हमने जो एक्टिविटी की फिर लास्ट में हमने फिर इवेल्युएशन किया। तो इवेल्युएशन इज़ डन एट ईच स्टेप ऑफ द प्रोसेस। ये दो तरह की होती है, एक कंकरेंट और एक टर्मिनल। कंकरेंट वो इवेल्युएशन वो होती है जो असेसमेंट से शुरू होती है, उसके बाद हम उसे डायग्नोसिस में करेंगे, प्लानिंग में करेंगे, ठीक है, जब हमें प्रॉब्लम्स को एनालाइज करना है, जब प्रायोरिटी सेट करनी है, जब गोल्स बनाने हैं, सब स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स बनाने हैं या अल्टरनेटिव एक्शंस प्लान करने हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे जो हर एक स्टेप पे होती है वो होती है हमारी कंकरेंट इवेल्युएशन। तो लास्ट में हम जब भी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, जब भी हम अपनी इंटरवेंशंस देते हैं या एक्शन फेज जब हमारा ओवर हो जाता है, तो लास्ट में भी हमें ये इवेल्युएशन होती है, ठीक है, और लास्ट में हम जो है अपने रिजल्ट्स को रिकॉर्ड करते हैं। तो ये हो गई हमारी कंकरेंट। और टर्मिनल इवेल्युएशन होती है जो हर एक 6 महीने या हर ईयरली जो की जाती है, साल में एक बार या हर 6 महीने में, जो 6 महीने में एक बार जो हम इवेल्युएशन करते हैं वो उसको बोलते हैं हम टर्मिनल इवेल्युएशन। इसमें ज़्यादातर हम ये इवेल्युएशन में हम क्या देखते हैं कि मॉर्बिडिटी रेट्स, बीमारियों की दर में कितनी कमी आई, कि बीमारियों की दर कितनी घटी, बर्थ रेट कितने कम हुए, किसी भी पर्टिकुलर पॉपुलेशन में कोई पर्टिकुलर हेल्थ सर्विसेज हमने कितनी बढ़ाई हैं, ठीक है, कितनी पॉपुलेशन को कवर कर रही हैं हमारी हेल्थ सर्विसेज, इसमें कितनी बढ़त हुई है, क्लिनिक अटेंडेंस कितनी कम हुई है या ज़्यादा हुई है, किसी भी पर्टिकुलर हेल्थ सेंटर पे या पर्टिकुलर हॉस्पिटल में लोगों के आने की संख्या, अटेंडेंस, ठीक है। उसके बाद चेंज इन नॉलेज, लोगों की के ज्ञान में कितना चेंज आया, उनकी नॉलेज बढ़ी है घटी है, एटीट्यूड लोगों का हेल्थ के लिए रवैया क्या है, क्या सोचते हैं वो, और उनकी हेल्थ प्रैक्टिस और डिग्री ऑफ सेल्फ डिपेंडेंस कम हुआ है ज़्यादा हुआ है। हेल्थ प्रैक्टिस में हाथ धोना उन्होंने जल्दी जल्दी शुरू कर लिया, एक्सरसाइज करनी शुरू किए हैं, नमक कम खाना शुरू कर दिया, ठीक है, ये सारी हेल्थ प्रैक्टिसेस में आती हैं। तो ये हो गई हमारी टर्मिनल इवेल्युएशन। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग प्रोसेस। इफ़ एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी एनी टाइम। थैंक यू सो मच।